नमस्कार, रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को मैं अजय दीप वाधवा का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ऐसा है कि अभी पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा शहर रांची, हमारा राज्य झारखंड कोरोना महामारी से पीड़ित है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी का फैलाव हो चुका है। इस महामारी में सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, कब हम में से कोई किस टाइम क्वारंटाइन रूम में चला जाएगा, हॉस्पिटल में उठ जाएगा, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये महामारी का ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये एक अंग है, एक प्रकार है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आज मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरा विषय है, वो यही है, अपनी सोच, हमारी सोच। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा तो मैं जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाऊंगा, लक्ष्य को पा लूंगा। जो लोग जीवन में असफल हुए, अगर आप उनके जीवन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने हमेशा नकारात्मक सोचा, नेगेटिव सोचा, उन्होंने पॉजिटिव नहीं सोचा। कोई भी काम करने के पहले उन्होंने ये सोचा कि मैं फेल हो गया तो, अगर ये काम सफल नहीं हुआ तो, इस काम के करने के बाद मेरा नाम नहीं हुआ तो, और दूसरे लोग क्या कहेंगे, वो यानी वो नकारात्मक ही सोचते रहे और इसी का परिणाम रहा कि वो सफल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ अगर आप सफल लोगों का जीवनी पढ़ें, सफल लोगों की जीवनी को ध्यान से देखें, पढ़ें, आजकल उस पर बहुत सारे सीरियल भी आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं, उसमें अगर आप उनको ध्यान से देखें तो हमेशा आप पाएंगे कि वो सकारात्मक सोचते रहे, वो समझते रहे, सोचते रहे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो जीवन में होगा और इस कार्य को मैं कर रहा हूँ तो मैं इस पर सफल होऊंगा। मुझे छोटी सी घटना याद है, आपने ये कहानी सुनी होगी कि एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय पहाड़ पर चढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उसके पहले उन्होंने 2-3 बार चेष्टा की थी पर वो किसी न किसी कारण से सफल नहीं हो पाए। और जो दूसरी बार वो जो फेल हुए थे तो वो इतनी बड़ी दुर्घटना फंस गए थे कि उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी। रेस्क्यू टीम ने कई दिन के बाद उनको बर्फ के अंदर से निकाल के उनको वो बेसमेंट पर लाए, वो फेल हो गए, वो हिमालय पर नहीं चढ़ पाए। तो जब वो काफी दिन के इलाज के बाद नेपाल में ठीक हो गए, हॉस्पिटल से उनको उनके देश ले जाया जा रहा था, तो लोग कहते हैं कि एडमंड हिलेरी ने शीशे से, अपनी खिड़की के शीशे से, उन्हें सामने दूर हिमालय की चोटी को देखा और उसको कहा कि आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। एज ए माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट एज ए ह्यूमन बींग आई कैन। तुम एक पहाड़ हो, अब तुम आगे उतना आज ज्यादा उत्तम ऊंचाई नहीं हासिल कर सकते हो। भगवान ने जितनी तुम्हारी ऊंचाई दी है तुम पहाड़ उतने ही ऊंचे रहोगे, पर मैं इंसान हूँ, अब मेरा ऊंचे जाने की कोई लिमिट नहीं है। मैं वापस आऊंगा और तुमको हराऊंगा, मैं तुम पर चढ़ाई करूंगा, मैं हिमालय पर्वत चढ़ूंगा, मैं माउंट एवरेस्ट पे पताका लहराऊंगा। और उसके बाद जब अगली बार आए तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की। उन्होंने सोच सकारात्मक रखी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, पर मैं इंसान हूँ, मेरे सोचने की, मेरे काम करने की, मेरी उत्पादकता ये हमेशा बढ़ेगी और मैं जो सोचूंगा वो कर पाऊंगा, वो कर पाए। अगर आपने अभी एक केसरी मूवी देखी होगी, उसमें क्या दिखाया है कि 21-22 सैनिक 10-10 दुश्मनों का सामना करते हैं। ये हो नहीं सकता है कि 21 सैनिक 10,000 सैनिकों का सामना कर पाए, पर उन्होंने किया। दिन भर उस सैनिकों को उन्होंने किले पर घुसने नहीं दिया कि उनकी सोच वैसी थी, उनको गुरुओं से शिक्षा आ रही थी, उनको गुरु गोविंद सिंह की बात याद आ रही थी, 125,000 से एक लड़ावा तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस महामारी के जमाने में, या अगर महामारी ना रहे तब भी, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी होगी, बड़ी के साथ सकारात्मक। हम नकारात्मक सोच रखते हैं, हम ये सोचते हैं जीवन में कि कोई भी काम मेरा सफल हो जाए भले मेरे पड़ोसी का, मेरे भाई का, मेरे संबंधी का असफल हो जाए। हम सोचते हैं विन एंड लूज सिचुएशन में, हम ये सोचते हैं हम तो जीते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी एग्रीमेंट में हम जीते हैं, पर सामने वाला हार जाए। होता क्या, वो भी यही सोच रहा होता है, वो भी मेरे बारे में नकारात्मक सोच रहा होता है, तो ना हम खुद विकास कर पाते हैं ना उसे करने देते हैं, ना वो भी उसके साथ यही घटता है। अगर हम विन विन सोचें, हमेशा सकारात्मक सोचें कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा होगा, भविष्य में मेरे साथ खराब नहीं होगा, और दूसरे के बदले में अच्छा सोचें, तो यकीन मानिए कभी हम जीवन में हारेंगे नहीं, हम भी विकास करेंगे, मैं भी विकास करूंगा, मेरा परिवार भी करेगा, मेरा दोस्त भी करेंगे। तो आज का मेरा संदेश है, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में
नेगेटिव नहीं होना है। जो हुआ था, गीता ज्ञान है, बहुत क्लियर है, जो हुआ था वो सही हुआ था, जो आज हो रहा है वो सही है, और जो ऊपर वाला आगे भविष्य में करेगा वो भी सही होगा। आज का मेरा संदेश इतना ही है। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक सोचें, जीवन में बहुत विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।